मीर उधर पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। डेप्टी स्पीकर का इंतखाब होना था और पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं और हल्फ भी उठा लिया है। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। कौमी असम्बली के इजलास में डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब हुआ, जिसके बाद उन्होंने हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। 290 वोट उन्होंने हासिल किए, जिसके बाद बाकायदा तौर पर गुलाम मुस्तफा शाह जो है डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं और हल्फ भी उठा लिया है, जिसके मनाजिर अब से कुछ देर कबल आपने मुलाहिजा कीजिए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह ने 290 वोट हासिल किए हैं और वो इस तरह से डेप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। इससे पहले हमने देखा कि नून लीग के सरदार अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। उन्होंने 199 वोट लेकर कामयाबी हासिल की और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट लेकर डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी था, डेप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, 197 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 92 वोट हासिल किए, जबकि पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट लेकर कामयाब रहे और पीपल्स पार्टी की जानिब से गुलाम मुस्तफा शाह अब स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट लेकर कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा, पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि जब कभी मुझे बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली काम करने को कहा जाएगा और अपने फराइज व कारहाए मनसबी और मैं अपने फराइज व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून और असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सालमियत इस्तेकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा जो क़याम-ए-पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ्फुज़ और दफा करूंगा और ये कि मैं हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रगबत और अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। हल्फ बर्दारी की तकरीब जारी, मुलाहिज़ा किया। नून लीग के अयाज़ सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, 199 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह ने डेप्टी स्पीकर का हल्फ उठा लिया है। इसके मनाजिर अपने मुलाहिज़ा किए। गुलाम मुस्तफा शाह ने डेप्टी स्पीकर का हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली का इजलास जारी था, स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ और डेप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट लेकर डेप्टी स्पीकर मुंतखब हुए और हल्फ भी उठा लिया है। गुलाम मुस्तफा शाह ने डेप्टी स्पीकर का हल्फ उठाया। इससे कबल स्पीकर अयाज़ सादिक तीसरी बार कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब हुए और डेप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह पीपल्स पार्टी की जानिब से 197 वोट लेकर कामयाब रहे और डेप्टी स्पीकर मुंतखब हुए हैं और हल्फ भी उठा लिया। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह ने 197 वोट हासिल किए हैं और इस तरह वो डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए और गुलाम मुस्तफा शाह ने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। उन्होंने 197 वोट हासिल किए। Or any other day as may be fixed by the Election Commission of Pakistan for election of the President
of the Islamic Republic of Pakistan and election of one member of the Senate from the federal capital. The question is that the motion is as moved be adopted. All in the favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. मैं शुक्रिया कर लूँ. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझ जैसे अदना बंदे को इस एजाज से नवाजा. मैं एहसानमंद हूँ शहीदों की जमात पीपल्स पार्टी अपने कायद सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मैडम फरियाल ताकुर साहिबा का, और उन तमाम पीपल्स पार्टी अरकान जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और इस ओहदे के लिए मुझे नामजद किया. मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जनाब शहबाज शरीफ और PMLN के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ. MQM के पार्लियामानी लीडर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनकी जमात के अरकान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लियामानी लीडर खालिद मक्सी साहब की जमात के अरकान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन और दीगर अरकान समेत एक एक रुकन असम्बली के बेहद मशकूर हूँ, और ख़ास तौर पर अपोजिशन के दोस्तों का कि इन दोस्तों ने अपने भाई जनाब जुनेद अकबर का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इस इंतखाबात में हिस्सा लेके इस इलेक्शन की अहमियत और जमहूरियत की सेहतमंद रवायत को आगे बढ़ाया. मैं अपने हल्के NA 208 के बहादुर अवाम और अपने वोटरों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपने बेटे और भाई पर पांचवीं दफ़ा एतमाद किया, और मैं इस अपने हलके समेत सारे पाकिस्तान को यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा. मोजेस अराकीन, आइए बाहमी एहतराम मोहब्बत और इखलास नीयत से. अजान का वक्फा है, कौमी असम्बली का इजलास जारी है. डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह अपनी खिताब कर रहे थे. पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं. 197 वोट हासिल किए और इससे कबल स्पीकर का इंतखाब हुआ जिसमें सरदार अयाज सादिक कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब हुए. 199 वोट हासिल किए, 197 वोटों के साथ डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ और गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं. ये मनाजिर आप बराह रास्त कौमी असम्बली से मुलाहिज़ा फरमा रहे थे. पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, 197 वोट हासिल किए. कौमी असम्बली का इजलास, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब. पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं. उन्होंने 197 वोट हासिल किए हैं और उन्होंने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया. गुलाम मुस्तफ़ा शाह मजमुई तौर पर 6 मरतबा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं. पीपल्स पार्टी से दरीना ताल्लुक है उनका और हर मरतबा ही पीपल्स पार्टी के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है. तो कौमी असम्बली का यह इजलास जारी था और अभी अजान का वक्फा हुआ है. डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो चुका है. पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं. उन्होंने 197 वोट हासिल किए. कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो चुका है. इसके बाद सदर और वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल भी मुकम्मल होगा. कुछ दिनों में इजलास उसका भी बुलाया जाएगा. कौमी असम्बली का आज के इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ. स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक 199 वोट हासिल करके स्पीकर मुंतखब हुए और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में गुलाम मुस्तफ़ा शाह पीपल्स पार्टी के 199 वोट हासिल किए. डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं. हल्फ बर्दारी की तकरीब हो चुकी है. हल्फ भी उठा लिया गया है दोनों की जानिब से. स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का कौमी असम्बली में इजलास हुआ जिसमें उनका इंतखाब हुआ है. 199 वोट लेकर सरदार अयाज सादिक स्पीकर मुंतखब हुए और 197 वोट लेकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह पहली बार 1988 में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे और आज गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं. 197 वोट लेने में कामयाब रहे और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर 1,25,000 से जायद उन्होंने वोट लिए जनरल इलेक्शंस में और पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं. उन्होंने इस अमल में 197
वोट हासिल किए। उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। गुलाम मुस्तफ़ा शाह मजमूई तौर पर 6 मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी से उनका इंतहाई देरीना ताल्लुक है। इससे पहले हमने देखा कि नून लीग के सरदार अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। उन्होंने भी 199 वोट हासिल किए और कामयाब हुए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। और अब गुलाम मुस्तफ़ा शाह जो हैं वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। और हम सब पाकिस्तानी हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे दिल और दफ्तर दोनों के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जुनेद अकबर साहब, औतवानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नाबुदु इयाका नस्तईन। शाह साहब, मैं अपनी तरफ से इस मकबूजा असम्बली में आपको इलेक्शन की जीत पे मुबारकबाद पेश करता हूं। आप मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, ख्वाहिश थी कि काश आप इन लोगों से जो 45 में हार चुके हैं और 45 के जरिए इस असेंबली में डाके से, बीमानी से, दो नंबरी के जरिए इस असेंबली इस हाल में आ चुके हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 2 साल पहले इमरान खान की हुकूमत थी इस मुल्क पे, फिर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक साजिश बनाई गई, इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। इमरान खान की का कसूर क्या था? इमरान खान मदीना की रियासत की बात करता था, इमरान खान आजाद खारिजा पॉलिसी की बात करता था, इमरान खान रूल्स ऑफ लॉ की बात करता था, फिर इमरान खान के खिलाफ एक साजिश की गई। उस टाइम के जनरल साहब बकौल मौलाना साहब, उसने उन तमाम अपोजिशन लीडरान को, जिसमें बट्टू के पैरोकार भी थे, जिसमें वो लोग भी थे जो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, जिसमें वो लोग भी थे जो इदारों से। अहम खबर, नून लीग के अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। सरदार अयाज सादिक 199 वोट लेकर कामयाब करार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। स्पीकर के इंतखाब के लिए 291 वोट डाले गए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। लीग के अरकान की अयाज सादिक को मुबारकबादें, डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। अयाज सादिक ने आमिर डोगर और दीगर PTI रहनुमाओं की नशस्तों पर जाकर उसे मुसाफा किया। अयाज सादिक ने स्पीकर के ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। जी बिल्कुल, नून लीग के अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असेंबली मुंतखब हो चुके हैं। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इस ऐवान में नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी, और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। ये ऑक्शन थी, वोट डालने वालों के मैंडेट का यहां ना लिहाज किया गया, ना एहतराम किया गया, ना उनकी उस वोट की ताकत के मैंडेट को तस्लीम किया गया, बल्कि जिन्होंने वोट गिने, अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी। हमारी जीती हुई सीटों का मैंडेट वापस किया जाए, मेरा आपसे मुतालबा है। कल का यह सेशन ताजियती सेशन था, यह तारफी सेशन नहीं था, यह ताजियती सेशन था। मेरे समेत इस ऐवान में इन मेंबरान में से कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसमें कम से कम 10 पर्चे ना हो, कम से कम 10 मुकदमात ना हो। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन, के जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले।